हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र परते। दोस्तों, आज मैं अपने घर अपने गांव का वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप देख सकते होगे। दोस्तों, सब तरफ कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान दिख रहे होंगे। एक्चुअली जो पक्के टाइप का मकान दिख रहे हैं दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री आवास वाले, और जो कच्चे मकान है तो अभी कच्चे ही हैं। अब हमारे और मेरे घर की तस्वीर आप देख सकते होगे, जो सामने में जो बैल बंधे हुए दिख रहे हैं अभी दोस्तों, मेरे घर का ही। ये दोस्तों इधर से मुख्य मार्ग से कच्चा रास्ता जाता है, मुख्य मार्ग जोड़ने वाला रोड है दोस्तों। यहाँ बहुत ही पुराने मकान है। ये दोस्तों मेरा घर है, आप देख सकते होंगे कुछ बकरियां बंधी हुई हैं। ये दोस्तों ये थोड़ा दिखा रास्ता टाइप, वहाँ पे कुछ मुर्गी वगैरह हैं। ये हमारे यहाँ पे छोटा सा एक बच्चा है, तो गाय ने बच्चा को जन्म दिया है, बछड़ा कहते हैं जिसको, तो यहाँ पे घर में बांध के रखा हुआ है। और ये कुछ बकरियों के बच्चे भी हैं, जो अभी ठंडी कारण धूप में आराम कर रहे हैं। यह दोस्तों मकान कच्चे ही हैं दोस्तों, खपरे वाले देख सकते हो, बहुत ही। ये दोस्तों हमारे गली तरफ बड़े तरफ का सीन, यहाँ पे ये सब बैल वगैरह बंधे हुए हैं। इसको जो सामने का बाग, इसको डायल कहा जाता है। दोस्तों हमारे गांव का नाम है जरामो गांव, ये हम रहते हैं लोग टोला में, इसको कहते हैं लाखी टोला। ये बहुत दूर, वहाँ से भी देख सकते हो कि ये मुख्य मार्ग है उधर से आने का। सब बकरी के बच्चे वगैरह खेल कूद रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे सामने के घर है ये दोस्तों बैल बंडी। ये अभी दोस्तों एक बैल बंडी, जिसको बैलगाड़ी कहा जाता है, इसमें कुछ पैरा वगैरह चलाया गया है। ये दोस्तों मेरे घर का ही, इसमें परंपरागत चूल्हे की लकड़ी है, लकड़ी जो चूल्हा है, रोटी बनाया जा रहा है गेहूं की, लेकिन हमारे यहाँ उतना कोई खाते नहीं है रोटियां। आज कुछ विशेष मेहमान आए हैं, इसलिए उनके लिए बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ अधिकतर चावल का ही, चावल बोले तो भात का ही उपयोग किया जाता है। ये है दोस्तों, आज मेहमान लोग आए तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, अपना देसी वाला मुर्गा बनाया जा रहा है चूल्हे पर। पीछे में जो देख रहे दोस्तों, वहाँ पे भी आग जा रही है, वो चावल का है, और सामने में देसी वाले मुर्गे को बनाया गया है, उसकी सब्जी बनाई गई है देसी मुर्गे की। दोस्तों इसी में ही खाना बनता है। आप देख सकते हो ये किचन वाला रूम है, ये उसका पानी गुंडी बर्तन वगैरह आप देख सकते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल मकान दोस्तों, हमारा पैतृक घर है ये, इसी घर में हमारा जन्म हुआ था। दोस्तों ये हमारा मकान लगभग 2 से 3 पीढ़ी का हो चुका है, लेकिन अभी भी जैसा का वैसा खड़ा है। इसका मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत मजबूत है।
एक दोस्त चिकन, चिकन बोले तो देसी वाला मुर्गा का व्यवस्था किया गया है मेहमानों के लिए। हमारे कुछ छोटे भाई है, कुछ एक दो मेहमान लोग हैं, उनके लिए बनाया गया है ये स्वादिष्ट मुर्गी की सब्जी बन रही है, पकाया जा रहा है दोस्त, देसी वाला मुर्गा है। इसमें हम लोग कोई कुकर वगैरह कुछ इसमें लगाए हुए नहीं है। ये दोस्तों मेरे पीछे वाला मकान, जो मेरे पीछे का भाग है मकान का, इसमें देख सकते हो वो ये अदरक है, ये अदरक लगाए हुए हैं। और इसको बोलते हैं दोस्तों, बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं बरमराकस। इसकी बड़ी बहुत ही शानदार लगती है और बहुत खूबसूरत लगती है। और ये दोस्तों अदरक है, ये अदरक इस तरह से रहता है ऊपर से, अब इनकी पत्तियां देखो सारी भरी है। अब इसके चाय में भी डाल सकते हो, इसकी पत्तियों को खाया भी जा सकता है, यानी कि मतलब कुछ भी लहसुन वगैरह चीले वगैरह बनाते हैं ना उस तरह से। ये दोस्तों हमारे यहाँ का कुआ घर का, इसमें मोटर लगी हुई है और इसी से ही थोड़ी बहुत जो पीछे की बाड़ी है उसमें सिंचाई कर सकते हैं। देख सकते हो कि आप यहाँ पे दोस्तों ये लगाया गया है मिर्ची कुछ भाग में, हरी मिर्ची तो दोस्तों भी है बड़ी नहीं है। और कुछ ये भट्टे के पेड़ आप देख सकते हो कि, और सामने में दोस्तों बेलाकार का एक पेड़ दिख रहा है दोस्तों, ये वाला, ये इसको बोलते हैं दोस्तों मीठी नीम, मीठी नीम का पेड़ है देख सकते हो। ये सब लगाए गए हैं दोस्तों, ये लगभग लगभग जीरो के से ज्यादा आधा आसपार का मोटर है, वहां से इसकी सिंचाई की जाती है। बाड़ी बोलते हैं हमारे तरफ में, इस बाड़ी में लगाया गया है। तो सब दोस्तों मिर्ची के पौधे हैं, ये देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये दोस्तों सभी मिर्ची के पौधे हैं, अभी बड़े हुए नहीं हैं, अभी कुछ कुछ में फूल आए हुए हैं लेकिन कुछ में नहीं आए हैं। ये दोस्तों हमारे घर में एक सागवान का पेड़ लगा है। ये दोस्तों इस प्रकार से हमारा मकान है, कच्चे मिट्टी के मकान है और कबीलों वाले हैं, लेकिन दोस्तों ये है बहुत पक्के। 3 साल तक, 3 पीढ़ी से अभी तक इन मकान को कुछ हुआ नहीं था, आप समझ सकते कितने पक्के मकान होंगे। मेरे ख्याल से तो इतना तो अपना ये भी नहीं चलते सीमेंट वाले मकान, ईट और सीमेंट वाले। अभी दोस्तों हम लोगों को भोजन परोसा गया जो मुर्गे वाला है, इसमें रोटी के साथ में चिकन भी है, मुर्गे का चावल यानी कि भात कहते हैं हमारे तरफ में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये सब हमारे छोटे भाई पिंटू भाई, लोकेश चिकन परोसा जा रहा है, मतलब मुर्गी की सब्जी देसी वाले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अब दोस्तों सब लोग खा भी रहे हैं खाना, हमारे पिंटू भाई है उस तरफ, हमारे भतीजा ये लोकेश भाई हमारे उस तरफ में।